الله اكبر الله اكبر الله, أكبر الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولٌ اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه فلا السلام عليكم <applause> ورحمة <أشحد> الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له middle صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ दोस्तों उबोकर सदीक रज तलाह के ज़माने की जंगों का ज़िक्र हो रहा था इस जुम्मन में होता है जमेष्क़ जो तेरह ईस्वी में हुई इसके बारे में कुछ तसील बयान करता हूँ यह आखिरी जंग थी जो उब्रदीक रहा के ज़माने में हुई दमेश जो है ये इसके मोहल्लेबू के बारे में ज़िक्र है कि ये कदीम तुम शाम का दारकूमत और तारीख़ी रवायात का हामिल शहर था इब्तः में ये बुध प्रस्ती का बहुत बड़ा मरकज था लेकिन जब ईसाइत आई तो इसके बुत का देखो कलेसिया बना दिया गया ये एक अहम तजारती मरक़ था यहाँ अरब भी आबाद थे और मुसलमानों के तजारती काफिले यहाँ आते रहते थे और इसी वजह से उन्हें यहाँ के बारे में मालूम हासिल थी दमश एक किला नुमा फसीलबंद शहर था हिफाजत और पायदारी की वजह से उसे इम्तियाज़ी हासिल थी इसकी फसील बड़े बड़े पत्थरों से बनाई गई थी फसील की ऊंचाई छः मीटर थी इसमें इंतहाई मजबूत दरवाजे लगाए गए थे फसील की चौड़ाई तीन मीटर थी दरवाजे मज़बूती से बंद किए जाते थे फसील के चारों तरफ गहरी खंदक थी जिसकी चौड़ाई तीन मीटर थी इस खंदक दरिया के पानी से हमेशा भरकर रखा जाता था इस तरह दमिश का काफ़ी मजबूत और महफूज शैसियत रखता था जिसमें दाखिल होना आसान न था जब हजदूबकर ने शाम की जान मुख्त लश्कर रवाना फरमाए तो हजतबैदा को एक लश्कर का अमीर बनाकर हिम्स पहुँचने का हुक्म दिया हिम्स दमश्क के करीब शाम का एक कदीम मशहूर और बड़ा शहर था हजदूबकर के शाद पर हज खालिद्द्दीन वलीद ने दमिश्क पहुँच कर दूसरे इस्लामी लश्कर के साथ इसका मुहासरा कर लिया एहले दमश्क किले की दीवार पर चढ़कर मुसलमानों पर पत्थर और तीर बरसाते थे मुसलमान चमड़े की ढालों से अपने आप को बचाते मौका पाकर मुसलमान भी उनके तीर मारते इस तरह 20 दिन का अरसा गुजर गया लेकिन कोई नतीजा बरामद ना हुआ एल दमिश्क़ में मसूर होने की वजह से सख्त तंगी में थे किले में रसद भी खत्म होने वाली थी इसके अलावा एल दमिश्क के खेत किले से बाहर थे लिहाजा उनकी काश्तकारी के कामों को नुकसान हो रहा था किले में गला नहीं आ सकता था अशाय शर्फ़ की भी किल्लत थी मुहारे की तबालत की वजह से वो सख्त परेशानी और मुसीबत में उबला हो गए थे इसी दौरान कदमिश के मुहारे को भी इस दिन गुजर चुके थे मुसलमानों को खबर मिली कि हिरकल बादशाह ने अजनादैन के मुकाम पर रोमियों का भारी लश्कर जमा किए ये खबर सुनते ही खालिद बब शर्की से रवाना होकर बा जाबिया पर हजरत के पास आए और सूरत हाल से मुतल करते हुए अपनी राय पेश की कि हम दवेष का मुहासरा तर्क करके अजना में रोमी लश्कर से निपट लें और अगर, अगर अल्लाह ने हमें फ़तेह दी तो फिर यहाँ वापस लौट आएँगे और दमश का मसला हल करेंगे हजरत उबैदा ने कहा कि मेरी राय इसके बरक्स है क्योंकि 20 दिन तक किला में मशहूर रहने की वजह से एहले दमाश्क तंग आ गए हैं और हमारा रोब उनके दिलों में समा गया है अगर हम यहाँ से कूच कर गए तो इनको राहत हासिल होगी और वो खाने पीने की चीज़ें किले में कसीर तादाद में जखीरा कर लेंगे और जब हम जब हम अजनादैन से यहाँ वापस आएंगे तो ये लोग तवील तो अरसे तक हमारा मुकाबला करने के काबिल हो जाएंगे हज़ खालिद नेबैदा की राय से इतफाक़ करते हुए मुहासरा जारी रखा और दमिश्क के किला के मुतफरक दरवाज़ों पर मुसलमानों के तमाम मुतय्यन सरदारों को हुक्म दिया कि अपनी अपनी तरफ से हमला में शदत शिद, अख्तियार करें हजर खालिद के हुम की तमील करते हुए हर जानब से इस्लामी लश्कर ने शदीद हमला शुरू किए इस तरह दमेश के मुहारे पर इक्कीस दिन गुजर गए हजत खालिद ने मुसलमानों को हमले की शदत बढ़ाने की तरकीब देते हुए खुद बाब शर्की से सख्त हमले जारी रखे दमिश्क अब बिल्कुल तंग आ गए थे और हिरकल बादशाह के मदद के मनत थे हज़ खालिद ने पैदर पैर हमले जारी रखे वो इसी तरह मसरूफ़ जंग थे कि उन्होंने देखा कि क़िला की दीवार पर जो थे वो दफ़तन तालियाँ बजा कर नाचने कूदने लगे और ख़ुशी का इजहार करने लगे मुसलमान हैरत से उनको देखने लगे खालिद बिन वलीद ने एक जानवर देखा तो एक बड़ा गुबार उस तरफ उठता हुआ नज़र आया इसकी वजह से आसमान तारीख नज़र आता था दिन के वक्त में भी अंधेरा छाया हुआ दिखाई देता था और खालिद फ़ौर समझ गए कि अहल दमिश्क की मदद के लिए हिरल बादशाह का लश्कर आ रहा है थोड़ी देर में चंद मुखबरों ने इस खबर की तस्दीक भी कर दी कि हमने पहाड़ की घाटी की तरफ एक लश्कर जरार देखा है और वह बेशक रोमियों का लश्कर है अजल खालिद फ़ौरन आए और हजरत को सूरत हाल से आगाह करते हुए कहा कि मैंने ये इरादा किया है कि तमाम लश्कर लेकर हिरकल बादशाह के भेजे हुए लश्कर से मुकाबला के लिए जाऊँ लिहाजा इस हमर में आपका मशा क्या है हजरतुबैदा ने फरमाया मुनासिब नहीं है क्योंकि अगर हमने इस जगह को छोड़ दिया तो पहले दमोश किला से बाहर आकर हमसे जंग करेंगे एक तरफ से हिरकल का लश्कर हम, लश्कर हमला होगा और दूसरी तरफ से अहरत दमिश्क हमला हम हमला करेंगे हम रोमियों के दो लश्करों के दरमियान मुसीबत में फंस जाएंगे। इस पर हजरत खालिद ने कहा फिर आपकी क्या राय है हजरत उबैदा ने फरमाया तुम एक जरी और बहादुर शख्स का इंतखाब करो और इसके साथ एक जमात को दुश्मन के मुकाबले के लिए रवाना करो चुनाचे हजरत खालिद बिन वलीद ने जरार बिन अजबर को पाँच सौ सवारों का लश्कर देकर रोमी लश्कर से मुकाबले के लिए रवाना किया एक दूसरी रवायत में हज ज़रार के लश्करी तादाद पाँच हज़ार भी बयान हुई है बहरहाल जो हैं वो पाँच सौ सिपाहियों को लेकर या जो भी लश्कर था उसको लेकर रोमी लश्कर जानवर रवाना हो गए चंद सिपाहियों ने रोमियों का लश्कर देख कर आपसे कहा कि ये लश्कर बहुत बड़ा है और हम सिर्फ पाँच सौ हैं बेहतर यही है कि हम वापस चलें और अपने लश्कर के साथ मिलकर इसका मुकाबला करें जरार ने कहा दुश्मन की कसरत से मत घबराओ खुदा ने बहुत दफ़ा क़िल्लत को कसरत पर गालिब किया है वो अब भी हमारी मदद करेगा साथियों वापस जाना तो जिहाद से फ़रार है जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं क्या तुम अरब की बहादुरी और जान निसारी को दाग लगाओगे जिसे वापस जाना हो चला जाए मैं तो लड़ूँगा इस्लाम के नाम को बुलंद करूँगा खुदा मुझे भागते हुए ना देखे तमाम मुसलमान या जुबान होकर बोले कि हम इस्लाम पर निसार होंगे शहादत का मरतबा पाएंगे यानी कि हम तैयार हैं जंग के लिए हज़रार खुश हो गए हुक्म दिया दुश्मन पर एक ही बार हमला करके उसे तहस नहस कर दो मुसलमान हजरत ने रोमी लश्कर पर मुसलसल वार किए और बहादुरी से लड़ाई की रोमी सलार के बेटे ने हजरार पर हमला किया और आपके माए बाजू पर नेजा मारा जिसकी वजह से खून तेज़ी से बहने लगा एक लम्हे के लिए आपने इसी के ने उसी के दिल पर नेजा मार कर उसे कत्ल कर दिया एक लम्हे के बाद आपने उसी के दिल पर निजाम को से कत्ल कर दिया आपको निज़ा उसके सीने में फंस गया और इसका फल टूट गया रोमी फौज ने आपका निज़ा खाली देखा तो आपकी तरफ़ टूट पड़े और आपको कैद कर लिया क्योंकि हथियार नहीं था आपने सहबा कर ने जब देखा कि हफ ज़रार कैद हो गए हैं, तो बहुत गमगीन और परेशान हो गए उन्होंने कई दिफाई हमले किए मगर इनको छुड़ा ना सके हजरत दरार की गिरफ़्तारी की खबर जब हजरत खालिद को पहुँची तो आप बहुत परेशान हुए और साथियों से रोमी लश्कर के मतलब मालूम लेकर उबैदा से मशवरा किया और हमले के मतलब राय ली उबैदा ने फरमाया कि दमिश्क के महासरे का मकूल इंतजाम करके आप हमला कर सकते हैं कमांडर उबैदा थे हजरत खालिद ने मुआर का इंतजाम करने के बाद अपने साथियों के साथ दुश्मन का ताकुब किया और उनको हदायत की कि जैसे ही दुश्मन मिले उस पर अचानक हमला करना अगर जरार को उन लोगों ने कत्ल न किया हो तो शायद हम जरार को छुड़ा लाएंगे और अगर जरार को शहीद किया हो तो बखुदा हम उनसे भरपूर इंतकाम लेंगे ताहम मुझे उम्मीद है कि अल्लाह हमको ज़रार के मतलब सदमा नहीं सदमा नहीं देगा इसी दौरान हज़ खालिद ने एक शाहसुवार को सुर्ख़ उंदा उंदा घोड़े पर देखा जिसके हाथ में लंबा चमकदार नेज़ा था उसकी कथा से बहादरी दनाई और जंगी महारत नुमायाँ थी ज़ेरा के ऊपर लिबास पहन रखा था पूरा बदन और मुंह छुपा हुआ था और फौज के आगे आगे था हज़ खालिद ने तो मना की कि काश मुझे मालूम हो जाए कि शाहवार कौन है वल्ला ये शख़्स नहत दुलर और बहादुर मालूम होता है सब लोग उसके पीछे पीछे जा रहे थे लश्कर इस्लाम जब कुफार के करीब पहुँचा तो लोगों ने उस शाहसवार को रोमियों पर ऐसे हमला करते देखा जिस तरह बाज़ चिड़ियों पर झपटता है इसका एक हमला था जिसने दुश्मन के लश्कर में टहलका डाल दिया और मकतूलिन के ढेर लगा दिए और बढ़ते बढ़ते दुश्मन के लश्कर के दरमियान में पहुंच गया वो चूंकि अपनी जान को हलाकत में डाल चुका था इसलिए दोबारा पलटा और काफिलों के लश्कर चीरता हुआ अंदर घुसता चला गया जो सामने आया उसको रेजा रेजा करके रख दिया कुछ लोगों का ख्याल था कि ये शख्स हदत खालिद ही हो सकते हैं राफ़े ने हैरानगी से खालिद से पूछा कि ये शख्स कौन है खालिद ने फरमाया मुझे मालूम नहीं मैं ख़ुद हैरान हूँ कि ये कौन है हजरत खालिद लश्कर के आगे खड़े थे कि वही सवार दोबारा रोमियों के लश्कर से निकला रोमिया कोई भी सिपाही उसका मुकाबला मुकाबले उसके मुकाबले नहीं आ रहा था और ये तनहा कई आदमियों से, से मुकाबला करते हुए रोमियों के दरमियान लड़ लड़ रहा था इसी दौरान हजरत खालिद ने हमला करके उसे कुफार के घेरे से निकाला और ये शख्स लश्कर इस्लाम में पहुँच गया हजरत खालिद ने उससे कहा तूने अपने गु़स्से को अल्लाह के दुश्मनों को निकाला है बताओ तुम कौन हो उस सवार ने कुछ ना बताया और फिर जंग के लिए तैयार हो गया हजल खालिद ने फरमाया अल्लाह के बंदे तूने तो मुझे और तमाम मुसलमानों को बेचैनी में डाल दिया है तो इस कदर बेपरवाह है आखिर तू कौन है हजल खालिद के इसरार पर उसने जवाब दिया कि मैंने नाफरमानी की वजह से एराज नहीं किया ये नहीं कि मैं नाफरमा इसलिए तुम्हें जवाब नहीं दे रहा बल्कि मुझे शर्म आती है क्योंकि मैं मर्द नहीं हूं एक औरत हूं औरतें भी इस बात देकर दिखाती खाती थी मुझे मेरे दर्द दर्द दिल ने इस मैदान में, में उतारा है खालिद ने पूछा कि कौन सी औरत फरमाया उस औरत ने अर्ज़ किया कि ज़रार की बहन खौला बिनते अजबर हूँ भाई की गिरफ्तारी का पता लगा तो मैंने वही किया जो आपने देखा उस खालिद ने सुनकर कहा कि हम सब को मुतफ़ा हमला करना चाहिए अल्लाह से उम्मीद है कि वो जरार को कैद से रिहाई दिला देगा खौला ने कहा कि मैं भी हमला में पेश पेश रहूँगी फिर खालिद ने भरपूर हमला किया रोमियों के पैर उखड़ गए और रोमियों का लश्कर जितर बितर हो गया हजत राफे ने शुजात के जौहर दिखाए मुसलमान एक बार फिर भरपूर हमले के लिए तैयार हुए थे कि अचानक गुफार के लश्कर से कुछ सवार इस तरफ तेज़ी से अमान मांगते हुए आ गए हजत खालिद ने फरमाया इनको अमान दे दो और फरमाया मेरे पास ले आओ फिर खालिद ने उनसे पूछा कि तुम लोग कौन हो उन्होंने कहा कि हम रोम की फ़ौज के लोग हैं और हिम्स के रहने वाले हैं और सुलह चाहते हैं हजत खालिद ने फरमाया कि सुलह तो हिम्स पहुँच कर होगी जहाँ पर कबल अज़ वक्त हम सुलह नहीं कर सकते अलबत्त तुमको अमान है जब अल्लाह फैसला करेगा और हम गलब आएंगे तब वहाँ पर बात होगी हाँ ये बताओ कि हमारे एक बहादुर जिसने तुम्हारे सरदार के लड़के को कत्ल किया था उसके मतलब तुमको कुछ मालूम है या नहीं उन्होंने कहा कि शायद आप उनके मतलब पूछते हैं जो नंगे बदन थे और जिन्होंने हमारे बहुत से आदमियों को मारा और सरदार के बेटे को कतल किया था खालिद ने फरमाया हाँ वही है उन्होंने कहा कि जिस वक्त वो कैद हुए और वरदान के पास पहुँचे तो वरदान ने उसको सौ सवारों की जमीयत में हम्स रवाना किया ताकि बादशाह के पास पहुँचाया जाए ये सुनकर खालिद बहुत खुश हुए और हज़्ज़ाफ़े को बुलाकर फरमाया कि तुम रास्तों को अच्छी तरह जानते हो अपनी मर्जी के जवानों को लेकर हिम्स पहुँचने से पहले हजरत दरार को छुड़ाओ और अपने रब के यहाँ आजर पाओ हजर ने एक सौ जवानों को चुन लिया और अभी जाने ही वाले थे कि हजरत खौला ने मिन्नत समाज करके हजरत खालसद से जाने की इजाज़त हासिल कर ली और सब लोग हजरत की सरकर्दगी हजरत रार की रिहाई के लिए हिम्स रवाना हो गए हजरत राफे तेज़ी से चले और एक मुकाम पर पहुँच कर आपने अपने साथियों से कहा कि खुश हो जाओ दुश्मन अभी आगे नहीं गया और वहाँ पर अपने एक दस्ते को छुपा दिया ये लोग इसी हालत में थे कि बाहर उठता हुआ दिखाई दिया हज़रत राफे ने मुसलमानों को चुकाना रहने का हुक्म दिया मुसलमान तैयार बैठे थे कि रोमी पहुँच गए हजरार उनकी कैद में थे और दर्द भरे लेजे में लहजे में अशार पड़ रहे थे किय मुखबर मेरी कौम और खौला को ये खबर पहुँचा दो कि मैं कैदी हूँ और मशक़ों में बना हुआ हूँ शाम के काफ़रों, काफर और बेदीन मेरे गिर जमा हैं और तमाम ज़रा पहने हुए हैं ऐ दिल तो गम हसरत की वजह से मर जा और ए जवान मर्दी के आंसू मेरे रुखसार पर बह जा ये शेर इस बड़े दिन के माने गए हैं हज खौला ने ज़ोर से आवाज़ दी कि तेरी दुआ कबूल हो गई अल्लाह की मदद आ गई मैं तेरी बहन खौला हूँ और ये कहकर इसने ज़ोर से तकबीर बुलंद तकबीर बुलंद करके हमला कर दिया और दीगर मुसलमान भी तकबीर कहते हुए हमला आवर हुए मुसलमानों ने इस दस्ते पर काबू पा लिया सबको कत्ल कर दिया गया हजरत जरार को अल्लाह ने रिहाई दिलाई और मालिक गनीमत मुसलमानों को मिल गया हजरत खौला ने अपने हाथों से भाई की रस्सियाँ खोल दी और सलाम किया हजरत जरार ने अपनी बहन को शाबाश दी और ख़ुश आमदीद कहा एक लंबा नेजा हाथ में लिया और एक घोड़े पर सवार हुए खुदा का शुक्र अदा किया यहाँ ये खुशी हुई और वहाँ दमिश्क में हज़र खालिद ने सख्त हमला करके वरदान को शिकस्त फाश दी वो लोग भाग गए और मुसलमानों ने उनका ताकुब किया वो हजर ज़रार और दीगर मुसलमानों से मुलाकात हुई वहाँ हज़र जरार और दीगर मुसलमानों से मुलाकात हुई फतेह की खबर है तो वैदा को भेज दी अब मुसलमानों ने यकीन कर लिया कि दमिश्क फ़तह होने वाला है दूसरी तरफ इस्लामी लश्कर दमिश्क में मुक़ीम था और किले का मुहासरा जारी था कि वसरा अब्बाद बिन सईद हजरत ख़ालिद के पास आए और इतलाह दी कि रोमियों के नब्बे हज़ार का लश्कर बग मुकाम अजनादैन जमा हुआ है खालिद ने हज़रतबैदा से मशर किया तो उन्होंने कहा कि हमारा लश्कर मुल्क के शाम में मुकाम मतफ़रक मकामशर है लिहाजा इन तमाम को ख़त लिख दो कि वह हमें अजना में आ मिले और हम भी अब किला दमेश का मुहासरा तर्क करके अजना की जानब कुछ करेंगे हिरकल को वरदान की शिकस्त की खबर पहुँच चुकी थी नींद उसके बेटे के कत्ल होने का हौसल हाल मालूम हो चुका था लिहाजा हिरकल ने उसको ख़ूब डांट डपट करते हुए लिखा कि मुझे खबर मिली है कि नंगे भूखे अरबों ने तुझे शिकस्त दे दी है और तेरे बेटे को कत्ल किया है ना मसीह ने उस पर रहम किया और ना तुम पर अगर तेरी बहादरी शमशीर जनी का चर्चा ना होता बहादरी और शमशीर जनी का चर्चा ना होता तो मैं तुझे कत्ल कर देता खैर अब जो हुआ सो हुआ मैंने अजनादैन की तरफ नब्बे हज़ार फ़ौज रवाना की है तुझे उसका सरदार मुक्र करता हूँ खालिद ने दुमश का मुहारा ख़त्म करके अजनादैन की तरफ लश्कर को रवाना होने का हुक्म दिया हुम मिलते ही मुसलमानों ने फौरन खेमे उखेड़ कर बाकी माल उसब ऊँठों पर लादना शुरू किया माल गनीमत के ऊँठों को और मालबाब के ऊँटों को औरतों और बच्चों के साथ लश्कर के पीछे की जानवर रखा और बाकी सवारों को लश्कर के आगे रखा खालिद बिन वलीद ने कहा कि मेरी राय यह है कि मैं औरतों और बच्चों के काफिला के साथ लश्कर के पीछे रहूँ हज़रतबैदा तो का और आप लश्कर के आगे रहें हजरतबैदा तो ने फरमाया कि मुमकिन है कि वरदान अपना लश्कर लेकर ऐन से दमिश की तरफ रवाना हुआ हो और उससे आमना सामना हो जाए अगर तुम लश्कर के आगे रहोगे तो तुम उनको रोक सकोगे और मुकाबला कर सकोगे लिहाज़ा तुम आगे रहो और मैं पीछे रहता हूँ तो खालिद ने कहा आपकी राय मुनासिब है मैं आपकी राय और तजवीज़ के ख़िलाफ़ नहीं करूँगा जब इस्लामी लश्कर दमश्क मुहासरा तर्क करके रवाना हुआ तो लश्कर को पूछ करते देख कर एहले दमश्क खुशी से उछलने कूदने लगे और तालियाँ बजा कर अपनी खुशी का इजहार करने लगे इस्लामी लश्कर को पूछ के मुतल एहल दमश्क ने मुख्तलि आर झा किएं किसी ने कहा कि नादैन में हमारे अज़ीम लश्कर के जमा होने की खबर सुनकर मुसलमान मुल्क शाम में अपने दूसरे लश्कर के पास जमा होने लग होने गए हैं किसी ने कहा कि मुहाशरा से तंग आकर किसी और मुकाम पर लश्कर बशी करने जा रहे हैं और बाद ने तो यहाँ तक कहा कि मुल्क एजाज की तरफ भाग कर जा रहे हैं वापस जा रहे हैं एरे दवेशक़ एक शख़्स के पास जमा हो गए जिसका नाम बुलिस था जितने थे वो लोग और वो इससे कबल किसी भी जंग में साहबा के सामने नहीं आया था ये शख्स हरकिल का नाहत मतमद और दर्जा का तिर अंदाज था एहल दमिश ने इसको अमीर बनाया और हर किस्म का लालच देकर जंग के लिए आमादा किया नीज़ उन्होंने इस बात की कस्में खाई कि वो मैदान जंग छोड़ कर नहीं भागेंगे और जो भी उनमें से मैदान छोड़ छोड़ेगा तो आपको इख्तियार होगा कि उसे अपने हाथ से कत्ल कर दें ये ऐदो महमान जो मुकम्मल हो गया और बुलिस घर में दाखिल होकर ज़रा पहनने लगा तो बीवी ने पूछा है कहाँ जाते हो बुलिस ने कहा कि दमशक वालों ने मुझे अपना अमीर बनाया है अब अरबों के साथ लड़ने जा रहा हूँ बीवी ने उससे कहा कि ऐसा मत करो बल्कि घर में बैठे रहो तुम अरबों से लड़ने की ताकत नहीं है तुम तो मैं इनसे मत लड़ो मैंने आज ही ख्वाब में देखा है कि तुम्हारे हाथ में कमान है और हवा में चिड़ियों का शिकार कर रहे हो बाल चिड़ियाँ ज़ख्मी होकर गिर गईं मगर फिर उठ कर उड़ने लगें मैं तजुब में पड़ गई कि अचानक ऊपर से ख्वाब में देखा कि एक, एक, एक उकाब ऊपर से अचानक ऊपर से उकाब आ गए एक नहीं उकाब कई उकाब आ गए और तुम और तुम्हारे साथियों पर ऐसे टूट पड़े कि सबको को नस्त नबू कर दिया बूलिस ने कहा तूने मुझे मुझे भी, भी ख्वाब में देखा था उसने कहा हाँ वो ख़्वाब ने ज़ोर से तुझे ठोंक मारी और तू बेहोश हो गया था बूलुस ने बातें सुन के तो अपनी बीवी को थप्पड़ मारा और कहा कि तेरे दिल में अरबों का खौफ बैठ गया है ख्वाब में भी वही खौफ है घबराओ मत मैं अभी उनके अमीर को तेरा खादम और उसके साथियों को बकरियों और खंजीरों का चरवाहा बना दूँगा बुलिस नहाय तेजी से छः हज़ार सवार और दस हज़ार पैदल लश्कर लेकर मुसलमानों के पीछे उनके मुकाबले के लिए निकल गया और इस्लामी फ़ौज की औरतों बच्चों माल मवेशी और अबू उबैदा के एक हज़ार लश्कर का ताकुब किया मुसलमान भी मुकाबले के लिए तैयार हो गए देखते ही देखते कुफार पहुँच गए बुलिस सबसे आगे था उसने एकदम छः हज़ार सिपाहियों के साथ अबू उबैदा पर हमला किया बुलिस का भाई बुतरस पैदल फ़ौज के साथ औरतों की तरफ बढ़ा और कुछ औरतें गिरफ्तार करके दमिश्क की तरफ वापस पलटा एक जगह पर पहुँच कर अपने भाई के इंतजार में बैठ गया हजरत ने यह मुसीबत में आगेहानी देख कर फरमाया कि खालिद की राय सही थी कि वह लश्कर के पीछे रहेंगे इधर औरतों और बच... औरतें और बच्चे चला रहे थे उधर एक हज़ार मुसलमानों ने बहादुरी से मुकाबला किया बुलिस ने हजरत पर बार बार हमला किया आपने भी श मुकाबला किया हजरत सहाल तेज़ रफ्तार घोड़े पर सवार होकर हजरत खालिद के पास पहुँचे और सारा किस्सा सुनाया हज़रत खालिद ने इन्हा लीला पढ़ा आपने हज़रत जाफ़े और अब्दुलरहमान बिन औफ को एक एक हज़ार लश्कर देकर रवाना किया ताकि बच्चों औरतों और की हिफाजत हो जाए इसके बाद हजरत ज़रार को एक हज़ार सवार देकर वसुत किया और ख़ुद भी लश्कर लेकर दुश्मन की तरफ चले इधर हजरत उबैदा पुलिस के साथ मसरूफ़ जंग थे इतने मुख्तफ़ इलाक़ों से आने वाले मुसलमानों के लश्कर पहुँच गए उन्होंने ऐसा हमला किया कि दमेश से आकर हमला करने वाले रोमियों को अपनी जिलत व हारी का यकीन हो गया हजरार आग के शलों की तरह बुलिस की तरफ बढ़े उसने जब आपको देखा तो कांप उठा और पहचान लिया बुलिस घोड़े से उतर कर पैदल भागने लगा हजरार ने भी उसको ताकुब किया और उसको जिंदा पकड़ लिया और कैद कर लिया इस जंग में कुफार के 6000 हज़ार आदमियों से मुश्किल सौ आदमी ज़िंदा बच बचे थे परेशान थे क्योंकि हजरत खौला भी कैद हो चुकी थी हजरत खालिद ने कहा कि घबराओ नहीं हमने उनके ऐसे आदमी पकड़े हुए हैं जिनके बदले में वो हमारे कैदी आसानी से रिहा कर देंगे हजरत खालिद ने दो हज़ार सिपाही सिपाहियों को अपने साथ लिया और बाकी तमाम अफवाज को फलत तो वैदा के हवाले कर दिया ताकि औरतों की हिफाज़त हो जाए और ख़ुद कैदी खुवातन की तलाश में निकल गए आप जल्दी जल्दी चल कर उस जगह पहुँचे जहाँ पर दुश्मन मुसलमान औरतों को कैद करके ले गए थे आपने देखा कि गुबार हो रहा है आपको तोजुब हुआ कि यहाँ लड़ाई क्यों हो रही है पता करने मालूम हुआ कि भूलिस का भाई बुद्रस औरतों को गिरफ्तार करके नहर के पास भाई के इंसार में रुक गया था और अब वो औरतों को आपस में बांटने लगे थे बुदरस ने हजरत अला के बारे में कहा कि ये मेरी है उन्होंने औरतों को एक खेमों में कैद कर दिया और ख़ुद आराम करने लगे और उन्हें बुलिस का इंतज़ार भी था इन औरतों में से अक्सर बहादुर और तजर्बाक शाह औरतें भी थीं वो हर किस्म की जंग जानती थी ये आपस में जमा हुईं और हजरत खौली ने उन्हें मुखातब करते हुए कहा कि कबीला हेमर की बेटियों और ए कबीला तबा की यादगार हो क्या तुम उस पर राज़ी हो कि रोमी कुफार तुमको लोडियाँ बनाएँ कहाँ गई तुम्हारी शजात और क्या हुई तुम्हारी वो गैरत जिसका जिक्र अरब मुजरसों में हुआ करता था अफसोस मैं तुम्हें गैरत से लैदा और शिजात तो अहमियत सिखा ही पा रही हैं इस आने वाली मुसीबत से तो तुम्हारी मौत अफज़र है यह सुनकर एक सहाबिया ने कहा अयल तुमने जो कुछ बयान किया है बेशक दुरुस्त है लेकिन ये बताओ कि हम कैद में हैं हमारे हाथ में नेजा तलवार नहीं है हम क्या कर सकते हैं ना घोड़ा है ना असला है क्योंकि अचानक हम को कैद कर लिया गया है तो खौला ने फरमाया कि होश करो खेमों के सतून तो के सतून तो मौजूद हैं हमें चाहिए कि उन्हें उठाकर इन बहुत पर हमला करें आगे मदद अल्लाह फरमाएगा या हम गाल आ जाएंगे वरना शहीद तो हो जाएंगी इस पर हर खातून ने खेमा की एक एक लकड़ी उठाई हजरत खला एक लकड़ी कंधे पर रख कर आगे हुई हजरत खौला ने अपने मतहत खुतिन से फरमाया कि जंजीर की कड़ियों की तरह एक साथ हो जाओ मुतफरक हो ना होना वरना सब कत्ल हो जाओगी इसके बाद हजरत खौला ने आगे बढ़ कर एक रोमी काफिर को मार कर कतल किया रोमी लोग इन औरतों की जरूरत और बहादुरी देकर हैरान हो गए बुतरस ने कहा बुदबो ये क्या कर रही हैं एक सहाविया ने जवाब दिया कि आज हमने इरादा कर लिया है कि इन लकड़ियों से तुम्हारे दिमाग दुरुस्त कर दें और तुम्हें कत्ल करके अपने असलाफ की इज़्ज़तों की हिफाजत करें बुतरस ने कहा है कि उनको जिंदा पकड़ लो और खौला को जिंदा पकड़ने का खास ख्याल रखो चारों तरफ से तीन हज़ार रोमे हल्का बांध कर खड़े थे मगर कोई शख्स औरतों तक नहीं आ सकता था अगर वह आगे बढ़ता तो ये औरतें उनके घोड़ों और फिर उनको मार देती थीं इस तरह तीस सवारों को इन औरतों ने मौत के घाट उतार दिया बुतरस से देख कर आग बगोला हो गया घोड़े से नीचे उतरा अपने साथियों के साथ होकर तलवारों से हमलावर हुआ मगर ये औरतें एक जगह इकट्ठी हुईं और सबका मुकाबला किया और कोई करीब ना आ सका उस खौला को मुखातब करते हुए बुतरस ने कहा कि खौला अपनी जान पर रहम करो मैं तुम्हारी कदर करता हूँ मेरे दिल में भी तेरे लिए बहुत कुछ है क्या तुम्हें ये पसंद नहीं कि मैं बादशाह जैसा आदमी तेरा मालिक बनूं और मेरी सारी जदाद तुम्हारी जदाद हो जाए और खाली ने फरमाया काफ़िर बदबक खुदा की कसम अगर मेरा बस चले तो अभी तेरा सर लकड़ी से तोड़ दूँ वल्ला मुझे तो ये भी पसंद नहीं कि तू मेरी बकरियाँ और ऊँट चराए चाहे जाए कि तू मेरी बराबरी का दावा करे इस बुतरस ने लश्कर से कहा कि इन सब को कतल कर दो लश्कर वाले नए सिरे से, से तैयार हो रहे थे और इब्ती हमला करने वाले थे कि मुसलमान हजरत खालिद की सरकर्दगी में वहाँ पहुँच गए आपको तमाम हालात वाक़ात का इल्म होगा औरतों की बहादरी और मुकाबले से मुसलमान बहुत खुश हुए और फिर पूरे लश्कर ने कुफार के इर्द गिर्द दायरा डाल दिया और एक साथ हमला किया हजरत खौला ने चिल्ला कर कहा अल्लाह की मदद आ गई है अल्लाह ने मेहरबानी कर दी है जब बुद्रस ने मुसलमानों को देखा तो परेशान हो गया और भागने लगा मगर भागने से पहले उसने दो मुसलमान शासवारों को अपनी तरफ आते देखा उनमें से एक खालिद और दूसरे हज जरार थे जरार ने उसको एक नज़ा मारा वो घोड़े से गिरते गिरते बचा फिर जरार ने दूसरा बार किया और वो ढेर हो गया मुसलमानों ने बहुत से रोमियों को कत्ल किया तो बच जो बच गए वो दमिश्क भाग गए जब हज़ खालिद वापस लौटे तो पुलिस को बुलाया और उसको इस्लाम पेश किया और फरमाया इस्लाम कबूल करो वरना तेरे साथ वही सलूक किया जाएगा जो तेरे भाई के साथ किया गया बुलिस ने कहा मेरे भाई के साथ क्या हुआ है खालिद ने फरमाया उसको कत्ल किया है बुलिस ने अपने भाई का अंजाम देख कर कहा कि अब जिंदगी का कोई मज़ा नहीं है मुझे भी भाई के साथ मिला दो चुनाचों से भी कत्ल कर दिया गया बारह जो इस्लामी लश्कर के मुकाम पर जमा हो गए ये तफसील पहले बयान हो चुकी है दमिश का यह दूसरा मुहासरा हुआ पहले तो छोड़ा है थे ना अब इस जंग के बाद दोबारा दमेश का मुशरा मुशरे के बारे में लिखा है कि अजनादैन की फतह के बाद खालिद ने इस्लामी लश्कर को दमिश की जानब दोबारा कुछ करने का हुक्म दिया एहले दमिश को अजनादैन में रोमी लश्कर की शिकस्त की इतला पहले ही मिल चुकी थी लेकिन जब उन्हें यह खबर मिली कि इस्लामी लश्कर अब दमेश की तरफ आ रहा है तो वो बहुत घबराए दमेष की अतराफ़ में बसने वाले भाग कर किले में पन्हग हो गए और किले में काफ़ी तादाद में गल्ला और अशाय सर्फ़ जमा कर लें ताकि अगर इस्लामी लश्कर का मुहासरा लम्बा हो जाए तो जखीरा ख़त्म ना हो इसके अलावा हथियार और सामान जंग भी इकट्ठा कर लिया किले की दीवारों पर मंजनीक पत्थर ढाल तीर कमान वगैरह सामान पहुँचा दिया ताकि किले की दीवार से मुहासरा करने वालों पर हमला किया जाए इस्लामी लश्कर ने दमिश के करीब पड़ाव किया फिर इस्लामी लश्कर ने आगे बढ़कर किले का मुहासरा कर लिया हजरत खालिद ने दमिश के तमाम दरवाज़ों पर सरदारों को उनके लश्कर समेत मुतिन कर दिया इस वक्त दमिश का हाकम तोमा था दमिश के रौसा उमरा और दानशमंद लोगों ने तोमा को मशवरा दिया कि हमारे पास इस्लामी लश्कर से मुकाबले की ताकत नहीं इसलिए या तो हिरकल से मदद तलब करो या फिर मुसलमानों से मसालत कर लो जो वो तलब करें उन्हें देकर अपनी जान बचाओ इस पर तोमा ने तकबर और गरूर से कहा कि मैं अरबों की कोई हैसियत नहीं समझता मैं हिरकल आजम का दामाद और जंग का माहिर हूँ मेरे होते हुए मुसलमानों को शहर में पाँव रखने की ज़रूरत ना होगी रोसा के समझाने पर तोमा ने यह कह कहकर उन्हें तसली दी कि अनकरीब हिरकल की तरफ से एक बड़ा लश्कर हमारी मदद के लिए आ रहा है तोमा ने हर तरफ से मुसलमानों पर शिद्दत से हमले का हुक्म दिया इन हमलों के दौरान कई मुसलमान जख्मी और शहीद हुए हजरत बिन सईद को भी एक जहर आलू तीर लगा तीर निकालने के बाद उन्होंने ज़ख्म पर अमामा बांध लिया लेकिन थोड़ी ही देर में जहर उनके जिस्मत कर गया और वो गश खा कर गिर गए और वहीं कुछ देर बाद जाम शहादत नोश कर गए हज़तबान का निकाह ना की जंग के दौरान हज़रतुम अबान से हुआ था और उनके हाथ की मेहंदी का रंग और सर में इतर की खुशबू बाकी थी यानी बिल्कुल ताजा शादी थी हजतुम अबान का शुमार अरब की उन बहादुर खातान में होता था जो जिहाद करने में पेश पेश रहती थी जब उनको अपने खामुद की शहादत की इतला मिली तो वो भागती हुई और ठोक ठोकरें खाती हुई आईं और अपने खामद की लाश के पास सब्र इस्तलाल का एक पैकर बनकर खड़ी हो गई अपनी ज़बान से नाशुपरी का एक कलमा भी ना निकाला और अपने खावन की जुदाई में चंदार कहे हज़रतालदिन वलीद ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई तदफीन के बाद हजरत उम्म अबान अपने तो खेमे की तरफ एक अज़्म महकम और पुख्ता इरादे के साथ गईं अपने हथियार थामे और अपने चेहरे पर कपड़ा बांधा और बब तोमा पर पहुँच गई जहाँ उनके खामन शहीद हुए थे बा पर सख्त लड़ाई जारी थी हस्तों में अबान इन मुसलमानों में शामिल होकर सख्त लड़ाई लड़ती रहीं और अपने तीनों से कई रोमियों को ज़ख्मी और मौत के घाट उतार दिया और बिलाख लड़ाई के दौरान मौका पाकर तोमा के मुहाफ़ का निशाना लिया जिसके हाथ में सलीब आजम थी ये सलीब सोने की बनी हुई थी और उसमें कीमती जवाहर जुड़े हुए थे सलीब आज़म उठाने वाले शख़्स रोमियों को जंग की तरकीब देता था और सलीम के वसीले से फतह व कामयाबी की दुआ मांगता था अर तुम्हें अबान का तीर जैसे ही उसका शख्स को लगा उसके हाथ से सलीम गिर गई और मुसलमानों के हाथ लग गई तोमा ने जब देखा कि सलीम मुसलमानों के कब्जे में चली गई है तो अपने साथियों के साथ उसको वापस लेने के लिए नीचे उतर आया और दरवाज़ा खोल कर मुसलमानों से मुकाबला शुरू कर दिया इस दौरान किले के ऊपर से रोमियों ने भी सख्त हमले करना शुरू कर दिए इस दौरान हजरतुम अबान ने मौका देकर तोमा की आंख का निशाना लेकर तीर चलाया और उसकी आंख हमेशा के लिए अंधी कर दी इस पर तोमा को अपने साथियों समेत पीछे हटना पड़ा और उन्होंने किले में दाखिल होकर दरवाजे बंद कर लिए तोमा की हालत देख कर ने कहा कि इसलिए हमने कहा था कि इन अरबों से मुकाबला करना हमारे बस की बात नहीं इसलिए अरबों से मुसालियत की कोई सूरत तो अख्तियार करनी चाहिए इस पर तोमा मजीद गदबनाक हो गया और अपने साथियों से कहा कि अपनी आँख के बदले मैं इनकी एक हज़ार आँखें फोटो डालूँगा एल को कोम्स से बीस हज़ार फ़ौज की मदद आने की तो थी मगर इस्लामी फ़ौज ने यह तदबीर की कि फ़ौज के एक दस्ते को दमेश के रास्ते पर मुक्र कर दिया इस तरह हिम्स से आने वाली फ़ौज को वहीं रोक लिया गया मुसलमानों ने दमिश का सख्त मुहासरा कर रखा था ये रखा इसमें हमलों तीरंदाजी और मनजनिकों से दुश्मन को खूब परेशान करते रहे एहल दमिश्क को जब यकीन हो गया कि उनको इमदाद नहीं पहुँच सकती तो उनमें कमज़ोरी और गुजली पैदा हो गई और उन्होंने मजीद जदोजहद तर्क कर दी और मुसलमानों के दिलों में उनको ज़ेर करने का जज्बा बढ़ गया एल ए का ख्याल था कि सर्दियों की शिदत में मुसलमान तवील मुहासर की तकलीफों को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे लेकिन मुसलमानों ने हालात का नहायत बहादरी से मुकाबला किया दमिश के अतराफ़ के खाली मकाना को मुसलमानों ने राहत और आराम के लिए इस्तेमाल किया हफ्तावारी इंसाम के मुताबिक बारी बारी जो फ़ौज मुहासर होती वो आकर आराम करती और जब वह चली जाती तो दूसरी फ़ौज आकर आराम करती और दरवाज़ों पर मुतन इन फौजी दस्तों के पीछे उनकी हमायत और निगरानी के लिए दूसरी फौज मुकर होती इस तरह तवील से तवील मुहासरे पर भी काबू पाना आसान हो गया लेकिन मुसलमानों ने इसी पर बस नहीं किया बल्कि दुश्मन की मनज़म रुकावटों को तोड़ने के लिए उनकी मैदानी तहक़ीक़त और चंग की चालें अपना काम करती रहीं और रुकावटों के इस मुनम और तवील सिलसिले में हज़ बिन वलीद एक मन... ऐसे मुनासिब मुकाम के इंतखाब में कामयाब हो गए जहाँ से दमिश्क में दाखिल होना मुमकिन था ये दमिश्क का सबसे बेहतर खिता था इस मुकाम पर खंदक का पानी काफ़ी गहरा था और वहाँ से दाखिल होना काफ़ी दुश्वार तलब काम था हज खालिद बिन वलीद ने दमिश्क में दाखिल होने की तरवी ये निकाली कि चंद को इकट्ठा किया ताकि फसील पर चढ़ने और दमिश्क में उतरने के लिए उन्हें फंदा लगा कर सीढ़ियों का काम लिया जा सके ख़ालिद बिन वलीद को किसी ज़रिए से ये ख़बर मिल गई थी कि दमिश्क के बतरीक रोमी फ़ौज के दस हज़ार लश्करी का काय जो था उसके यहाँ बच्चे की विलादत हुई है एक कमांडर के यहाँ बच्चे की विलादत हुई है और सारे लोग जिनमें उसके मुहाफ़ पाई भी थे दावत मशगूल हैं चुनाचे वो सब खूब खा पी कर मस्त होकर सो गए और अपनी अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हो गए इसी दौरान खालिद वलीद अपने चंद साथियों के साथ मुश्किसों के सहारे खंदे कबूर करके फसील तक पहुँच गए और रस्सी के फंदे लगा कर उन्हें बतौर सीढ़ी के फसील पर मजबूती से फंसा दिया और मतदद रस्सियाँ फसील से लटका दीं उस पर रस्सी के सहारे काफ़ी ज़्यादा तादाद मुसलमान फसील पर चढ़ गए और अंदर उतर गए और दरवाजों तक पहुँच गए दरवाजों की कुंडियों को तलवार से काट कर अलग कर दिया इस तरह इस्लामी फौजें दमिश्क में दाखिल हो गईं हजरत खालिद की फ़ौज मशरक़ी दरवाजे पर काबुज़ हो गई तो रोमियों ने घबराहट में हज़रत हजरतुबैदा से मगरबी दरवाजे पर सुलह की दरख्वास्त की हालांकि पहले वो मुसलमानों की तरफ से सुलह की दरख्वास्त को मस्तरद कर चुके थे और जंग पर मस्जिद थे हजरत उबैदा ने कुछ दिली से सुलह को मंजूर कर लिया इस पर रोमियों ने किले के, के दरवाज़े खोल दिए और मुसलमानों से कहा कि जल्द आओ और हमें इस दरवाजे के हमला अवरों यानी हज़ खालिद से बचाओ नतीजा ये हुआ कि तमाम दरवाज़ों से मुसलमान सुलह के साथ शहर में दाखिल हुए और हज खालिद अपने दरवाजे से लड़ाई करते हुए शहर में दाखिल हुए हज़ खालिद और बाकी चारों इस्लामी उमरा शहर के वस्त में एक दूसरे से मिले अज खालिदिन वलीद ने अगरच दमेश को का कुछ हिस्सा लड़कर फतह किया था लेकिन चूँकि हजतब वैदा ने सुलह मंजूर कर ली थी इसलिए मफ्तूा इलाके में भी सुल्ह की शरात तस्लीम की गई यहाँ ये वाज हो गए दमिश फी फतेह को बाज़ लोग बुरीन हज तुमर के खिलाफ बयान करते हैं लेकिन दमिश का यमार हज़ूब्रदीक रिजाण के आहद खिलाफत में शुरू हो चुका था अलबत्त इसकी फ़तह की खबर जब भेजी गई मदीना तो उस वक्त हजूब बकर की वफात हो चुकी थी तो ये बकर ज़माने की ये आखिरी जंग थी आइंदा इन शूब्रदीक की ज़िंदगी के जो बाकी पहलू हैं वो बयान होंगे उस तो वक्त मैं चंद्र हूँ इनका भी जिक्र करना चाहता हूँ पहला है हैम उमर अबू अरकूब साहेब जो फ़लस्ती के सदर जमात थे जनूबी फ़लस्तिन के ये पंद्रह अगस्त को सत, सत्तर साल की उम्र में इनकी वफ़ात हो गई इन्ना व इ राज हों उमर अबूरकूब साहेब ने दो हज़ार दस में एम टी एलरबिया के ज़रिए जमात से मुम टी एलरबिया के जरिए जमात से मुतारफ हुए इस बारे में उन्होंने कहा कि जब मैंने सबसे पहले एम टी ए देखा तो महसूस किया कि बेशक ये लोग नेक और साले हैं मैं एक तरफ आलम इस्लाम को कतल वारत डा चोरी और बाहमी में मुनाफरत की हालत में देखता हूँ और दूसरी तरफ जमात अहमदिया सिला रहमे की तलीम देती है और तहजत पढ़ने और कुरान मजीद की तलावत करने की तलकिन करती है जिससे मैं काफ़ी मुतासर हुआ और मैंने कहा कि यही सच्ची जमात है जिसकी पैरवी हम पर वाजिब है फिर कहते हैं इस्तिखारे के बाद मुझे यकीन हो गया फिर मैंने ख्वाब भी एक देखी थी कि यही सच्ची जमात है और कहते हैं मैं अपनी वफात तक इन्होंने ऐहद किया कि मैं वफात तक इस जमात से मुंसलिक रहूँगा हर मुश्किल वक्त में महरूम बहुत साबित कदम रहते थे महरूम कहा करते थे कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँ ज़िंदा हूँ तो अपने ऐद पर साबित कर रहूँगा इनकी बैद के बाद इनकी अहलिया ने रोया में देखा कि चंद अहमदी लोग हैं मुक्रम उमर साहब को अपने घर में एक कमरे में ले गए उन्होंने इनको नहलाया और उनके सीने को खोल कर साफ किया और मुझे कहा कि देखो हम इनको बेहतरीन हालत में वापस ले आए हैं खिलाफ़ बेानतहा मोहब्बत करने वाले थे और बड़ी दुआएँ किया करते थे मरहूम जमात से अखलास का ताल्लु रखने वाले थे अपने घर के एक हिस्से को जो निचली मंजिल थी जमात के लिए वक्फ़ किया हुआ था जमात अहमदिया जनूबी फ़लस्ती मरहूम के मकान में नवाज़ जुम्मा ईदैन और अजलसाद के लिए जमा होती और इनके बेटे ने कहा कि मरहूम की वसीयत है कि ये हिस्सा जमात के लिए वक्फ़ रहेगा इनके मुखालफन इनको बीमारी के दिनों में कहते थे जमातम जी से तोबा करो तो बीमारी हट जाएगी लेकिन मरहूम इसके बावजूद उन से तबलीगी मुबास मुँआ, किया करते थे और एक शख्स जो बहुत ज़्यादा बढ़ बढ़ के था बोलने वाले मुखालफत में उससे मुबास किया और इसके ऐसे लाजवाब कर दिया कि उसको कोई जवाब नहीं सोचा बीमारी की शिद्दत की वजह से मरहूम को जब बीमारी का दिन गुजर रहे थे इनके अगले दिन आई सी यू -उन में मुंतकिल होना पड़ा मुशे के दौरान मरहूम के बेटे ने उस मुला से कहा जो बहुत ज़्यादा बढ़ बढ़ के इनसे बहस करने वाला था कि वाले साहब को छोड़ दो ये साहिब तजर्बा है तुम इनको नहीं मना सकते बहरहाल बेटा कहता है कि मरहूम ने मर्जुल मौत में ये नसीहत की थी कि मेरी मौत पर उदास ना होना फिर हज बलालहों का कॉल दोहराते रहे कि सालका शालकब्बा मुहमदन वसाबा यानी कल मैं अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम और साहबा से मिलूँगा मरहूम बहुत दिल अज़ीज़ और प्यारी शख्सियत के मालिक थे मरहूम की अहलिया तीन बेटे और चार बेटियाँ हैं अल्लाह ताला इन बच्चों को भी अहमदीत कबूल करने की तोहफ़ी किता फरमाए जो अहमदी नहीं हैं और मरहूम फिर जादुल्हन फरमाए मखरतर का सलूक फरमाए दूसरा जिक्र है करम शेख नासर अहम ना ना सब मिट्टी थरपार कर का जो अभी गुज्त दिनों तिरानवे साल की उम्र में वफात पाग आए ना लाए ना लहरा ज मिट्टी के सबसे पहले अहमदी थे उन्नीस में इन्होंने अहमदी कबूल की एक पुरजोश दाई लल्ला और दीन की गलत रखने वाले लडा अहमदी थे पाँच वक्ता नमाज़ों की पाबंदी मेहमान नवाजी खिलाफत से वालिना इश्क उनके और साफ़ थे उन्हें मिट्टी और उसके किरद नवा में मतद बहतें करवाने की भी तौफीक मिली मिट्टी की पहली मस्जिद उन्हीं की दी हुई जगह पर बनाई गई थी खानदान और बरदरी की तरफ़ से उन्हें शदीद मुखालफत का सामना रहा ख़ास तौर पर बच्चों की शादी का वक्त आया तो बरदरी ने अपने ख़ानदान से बाहर आम में रिश्ता करने से रोकने के लिए शदीद दबाव डाला आपका बाईकाट किया गया वो इनकी शादियों में शामिल भी नहीं हुए लेकिन अल्लाह ताली के खास फिर से उन्होंने बावजूद मुखालफत के तमाम बच्चों की शादियाँ ऐमदी घरानों में अपने अपने बच्चों की तरबियत की तरफ खास सोच दी सबको कुरने करीम पढ़ाया नमाज़ को पाबंद किया अपनी औरतों को जो पहले हिंदू जो थी और रवायती उनका दर्ज लिबास था वो छुड़वा कर उन्हें बुरका पहनना पहनवायासली तो राबे ने एक मरतबा इनको ख़राज़ तस्म देते हुए फरमाया था कि अगर हर सेंटर में हम एक नासर पैदा करते हैं तो हम यकीन कामयाब हो जाएंगे। उनके पसमान खान दो बेटे और चार बेटियाँ शामिल हैं बच्चे भी इनके कुछ संदीन कर रहे हैं वक्फे जिंदगी हैं अल्लाह तरह के लंदरमाए तीसरा जो जिक्र है वो मलक सुल्तान अम साहब साबिक मल वक्फे दीद का है जो ये भी गुजशत दिन हों चौरासी साल की उम्र में वफात पा गए इन्ना लहरा जन्नीस सौ अठत्तीस में पक्का ने ज़िला जहाँ में ये पैदा हुए थे पैदायशी अहमदी थे इनके ख़ानदान में अहमदियत इनके वाल मोहतरम सजादा साहिब अलमारूफ़ शजादा के तरीके से आई जिन्होंने मुस्लिम रीदरानों के ज़माने में खुद का कातिहान जाकर बैद की थी इन्होंने मिडिल तक तलीम हासिल करने के बाद उन्नीस सौ सास सौ साठ में वक़्दीद के तहत खिदमत की दरख्वास्त दी उनका वक्त कबूल हुआ फिर खलीफतम जब बखेद के इंचार्ज थे उनके जेरे तरबियत की रहे और कुछ अरसद तरबियत हासिल करके उन्नीस सौ साठ में इनकी मम के तौर पर तकर्री हुई थ्रपार करके इलाके में भेजे गए बड़ा काम किया इन्होंने फिर पाकिस्तान के दूसरे इलाक़ों में भी रहे अठतीस अच्छा साल से ज़्यादा इनकी खिदमत का दौर है अपने फोजा फ़राइज के साथ बड़े खुशसलूबी से सर अंजाम देते रहे तबलीग का बहुत शौक़ था और इसी वजह से उन्नीस में इन पर कातलाना हमला भी हुआ था सच्चाई मिलनसारी मेहमान नवाजी खुश मिजाजी इनके बुनियादी वस्त थे गुजार नमाज बाजुमात दुआ दुआगो इंसान थे मरते दम तक निज़ाम ख़िलाफ़त के साथ दफा का ताल्लुक रखा और अपनी औलाद को भी इसकी तल्क करते रहे पसमान ख़ान में अहलिया के अलावा तीन बेटे और दो बेटियाँ शामिल हैं अल्लाह रहम का सलूक फरमाए इनसे याद बुलंद करे अगला ज़िक्र है करम महबूब अहमद राजे की साहब का जो सदुल्लापुर ज़िला मंडी बहाउद्दीन के रहने वाले थे ये भी गुज्त दिनों में छियासी साल की उम्र में वफात पा गए इन्ना लिला इन्ना लहरा जे हों मरू थे उस्मान खान में दो बेटे और एक बेटी शामिल हैं एक बेटा इनके बाहर है जर्मनी में और लाहौर में मुकैम है कुछ महरूम हज इस्लाम के साहबा गुलाम अली साहब राजे की के बेटे और हज मौली गुलाम रसूल साहब राजे की के भतीजे थे और हज मौल गुलाम मौलिक कौसम साहेब के नवासे थे इनके बेटे मबरू साहब बयान करते हैं इनको सैंतीस साल बतौर सदर जमत साद्लापुर खिदमत की तोफीक मिली बहुत दुआ को अहदल्ला वसम और हजरत मसिम के सच्चे फिदाई खिलाफों से बेहद मोहब्बत रखने वाले नड्डार और बहादुर ख़ाद सिलसिला थे तीन मरतबा इनको राय मौला रायलने की तफीक मिली पाँच वक्त नमाज के पाबंद होने के साथ साथ बाकायदगी से लंबी तहजद अदा करने वाले थे बेशुमार मौके पर खुदा तला ने उनको दुआओं गाँव पूरी फ़ौरी शर्फ बख्शा साहिब रोया खशूफ भी थे वीरी के दौरान भी इनको कई दब खाबें आती हुई कि फ़लाँ दिन रिहाई होगी या फ़ला वक्त यह वाक़ होगा और उसी तरह होता भी रहा दिन में अक्सर दरू शरीफ और दुआओं में मसरूफ़ रहते बल्कि एक दिन एक शख़्स ने लिखा कि एक दिन फजर की नमाज़ के लिए आप आए तो उसने उनको हाथ लगाया तो बड़ा तेज़ बुखार था लेकिन इसके बावजूद मस्जिद में आए नमाज अदा करने के लिए और एम टी ए से तल्लक़ और खिलाफ से मोहब्बत का यह हाल था कि ऊँचा सुनने लगे थे समझ नहीं भी आती थी तब भी खुदे के दौरान टी वी के सामने बैठ कर सुनने की कोशिश करते थे इनकी वफात के बाद इर्द गिर्द के गाँव के गैर बहुत ज़्यादा आए बल्कि पहले भी आते रहते थे और बड़ा इतका था उनसे दुआएँ कराया करते थे वफात के बाद तो आया ही अफसोस करने और दुआएँ कराते थे और कहा करते थे अगर ये अहमदी ना होते तो सैकड़ों हज़ारों की तादाद में उनके मरीज़ होते अल्लाह और इनकी दुआओं की कबूलियत की कई गैर ने भी वाक़त बयान किए हैं और मिसालें दी हैं अल्लाह ताली उनसे रहम का सलू फरमाए दर्जातलम करे इनकी औलाद को भी इनकी नेकियों को जारी रखने की तौफीक अता फरमाए ये सब नमाज इंशाअल्लाह नमाज़ों के बाद इनके जमात जनाज़ा अदा की जाएगी الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان ويتاه ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروا اذكروا الله يذكركم وذووه يستجيب لكم ولذكر الله اكبر